गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। ऑलमोस्ट आइडेंटिटीज़ आप 9th अपनी 8th क्लास में इन सभी आइडेंटिटीज़ में से गो थ्रू हो चुके हैं, बट फॉर रिवीजन आपकी बुक में भी दे रखी हैं आइडेंटिटीज़। बट मैं आपको एक बार यहाँ ये लिखी हुई हैं, ये भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर क्या होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। जब यही सेम x माइनस वाई होल स्क्वेयर हो जाएगा तो जो यहाँ माइनस है उससे सिर्फ यही डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वेयर है, माइनस का स्क्वेयर हमेशा प्लस होता है। सो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है? जो तो सेम टर्म है एक्स और एक्स, उसका तो करेंगे हम स्क्वेयर। फिर प्लस करके जो दो अलग अलग टर्म्स हैं हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में, उनको ऐड करके अगेन सेम टर्म से मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर जो अलग अलग टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई ए बी ए इंटू बी। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नाउ नेक्स्ट एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ये भी आप कर चुके हैं क्लास 8th में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब यहाँ पे क्या होता है ना, सेम चेयर टर्म होती है 3xy 3xy, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक बार क्या होता है एक्स का स्क्वेयर वाई सिंपल, एक बार एक्स सिंपल वाई का स्क्वेयर, तो क्या टर्म बनेगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy स्क्वेयर, दोनों का एक एक बार स्क्वेयर होता है। सेम अब माइनस का क्यूब होगा तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब होगा, तो माइनस से क्या होता है कि क्यूब का माइनस तो माइनस ही होता है, तो यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, जैसे स्क्वेयर में प्लस आ गया था बट यहाँ माइनस रहेगा। प्लस में आप एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, वाई माइनस में है तो वाई जहाँ तो सिंपल है वहाँ पे माइनस रहेगा, जहाँ पे वाई का स्क्वेयर है वो टर्म प्लस की होगी। तो जब आप लिख रहे हैं 3xy तो वाई अकेला है, कुछ पावर 2 नहीं है, तो इसके आगे माइनस रहेगा, और यहाँ वाई की पावर 2 है तो माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई में इसके साथ रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। नेक्स्ट यहाँ तक की वैसे आइडेंटिटीज़ आपको बुक में दे रखी हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, और ये जो दो आइडेंटिटीज़ हैं ये आइडेंटिटीज़ ही, लेकिन ये आपको अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9th में मिलेंगी। तो आपको वहाँ पे तो ये वेरीफाई करने को बोला है कि आपको एक बार ये x को लेना है इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे देन y को एक बार एक्स स्क्वेयर से, एक बार इस टर्म से, एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके ये प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल ही है, वहाँ पे आपको वेरीफाई करके शो करना है। लेकिन अदरवाइज आप इसको एज अ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ अ आइडेंटिटी, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको आप आइडेंटिटीज़ में ज़रूर उतार लें, बस वहाँ पे इस आइडेंटिटी की वेरीफिकेशन दे रखी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। मैं सारे पार्ट्स नहीं बता रही हूँ, जो पार्ट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि अलग हैं, डिफरेंट हैं, और हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट समझा रही हूँ सो दैट आप बाकी के पार्ट्स को खुद से कर सकें। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सो मैं साथ साथ में सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, स्टेप बाई स्टेप, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ मैथ्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 8th में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, सॉल्व करने से पहले आपको मेंशन करना है कि आप कौन सी आइडेंटिटी लिख रहे हैं। तो आप पहले यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लिखें, ये क्या है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी? x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आप पहले ये मेंशन कीजिए कि ये आइडेंटिटी इक्वल किसके होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, ये x तो x ही है, a 4 है, b 10 है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये पार्ट तो आपको यहाँ दे ही रखा है, तो ये पार्ट आपने लिखना है यहाँ पर। तो आप x की जगह क्या लिखेंगे, x का एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 10 इंटू में x प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। अब आप आगे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वेयर 14x प्लस 40, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेम अब ये है, ये अलग आइडेंटिटी है, क्वेश्चन फर्स्ट में ही है, बाकियों में यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। एक ये क्वेश्चन है, एक फोर्थ क्वेश्चन है, तो मैंने फिफ्थ सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो फिफ्थ में क्या है, आप ध्यान से देखिए आपकी आइडेंटिटी क्या है। ये आइडेंटिटी में एक्स लिखा हुआ था, बात एक ही है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये ऐसे बनी थी और ये ऐसे बन सकती है, तो वो आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा,
ये चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है, ये हमने निकालनी है। तो आप लिखिए ए किसके इक्वल है 3, तो 3 का स्क्वायर, बी किसके इक्वल है 2x, तो 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 2x माइनस का माइनस, 2 का 4 और एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता। नाउ नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सारा ही एक जैसा है, आपको नंबर्स दे रखे हैं और विदाउट मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है कि आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 103 इंटू 107 आपको दिया होगा, इसको आपने खुद खोलना है। 103 को आप लिखेंगे 100 प्लस 3, 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7, इस तरीके से ओपन अप करना है कि इसके एक एक टर्म सेम रहे। तो अब यहाँ पे अगेन यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इन एनी केस यहाँ पे माइनस भी हो जाए तब भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बी माइनस का हो या ए माइनस का हो, तो जहाँ पे माइनस है उस टर्म के आगे आप यहाँ पे और यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब आपके पास ये टर्म तो यहाँ पे निकल चुकी है, ये आपको निकालनी है। तो x मतलब एक्स स्क्वेयर क्या होती है, जो दोनों में सेम है, तो इन दोनों में सेम क्या है 100, तो आप x की जगह लिखेंगे 100 का स्क्वेयर, a की जगह 3, b की जगह 7, देन अगेन जो सेम टर्म है उसका मल्टीप्लाई, अगेन 3 इंटू 10,000, 3 इंटू 7 10 इंटू में 100 प्लस 21, अगेन 10,000 1000 21, तो इनको ऐड करेंगे जब आप, तो आपका आंसर आएगा 1021, ये आपका आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में थ्री पार्ट्स हैं, फर्स्ट टू पार्ट्स तो सेम हैं ऑलमोस्ट और लास्ट पार्ट अलग है, तो मैंने दोनों को दो ही पार्ट्स तो आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको क्या सॉल्व करना है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है जिसके साथ स्क्वेयर है ना, आप देखिए कि वो किसका स्क्वेयर बन रहा है, 9 होता है 3 का और x को x लिख दीजिए, तो ये बनेगा 3x का स्क्वेयर। बीच वाली टर्म को एक बार छोड़ दो जो विदाउट स्क्वेयर है, उसकी जगह भी छोड़ दो। y स्क्वेयर किसका होता है, सिंपली y का स्क्वेयर नंबर हो तो आप उसको चेक कर लीजिए प्लस लगा के। अब आप देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आइडेंटिटी कौन सी होती है, आइडेंटिटी होती है 2xy, तो आप एक बार ही इस टर्म को भूल जाइए कि यहाँ पे 6xy है, आप इसको लीजिए एक्स स्क्वेयर, इसको लीजिए वाई स्क्वेयर, तो अपनी आइडेंटिटी पुट कीजिए एक्स 2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 3x और y की जगह लिखेंगे y अकेला, क्योंकि उसके साथ कोई नंबर नहीं। अब आप इसको चेक कीजिए मल्टीप्लाई करके, क्या यही टर्म आ रही है, तो अगर आ रही है तो मतलब आपने जो स्क्वेयर सॉल्व किया है वो सही है, तो 2 इंटू 3 6xy आ रही है टर्म। अब आप इसको दोबारा से इसी में चेंज मत कर दीजिएगा, अब आप अपनी आइडेंटिटी लगाइए, आइडेंटिटी क्या लगेगी, अब आप इसको लिख के अब आप आइडेंटिटी लगाइए कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस के इक्वल है 3x के, 9 नहीं पुट करेंगे आप स्क्वेयर, तो 3x और प्लस में y किसके इक्वल है y के स्क्वेयर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, नाउ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ध्यान दीजिएगा ये कैसे होगा, x किसका स्क्वेयर है एक्स स्क्वेयर का, y का और 100 होता है 10 का, तो ये ऑल ओवर स्क्वेयर रहेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई बाई टेन, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स माइनस वाई बाई टेन और एक्स प्लस वाई बाई टेन, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ में आपको सारा क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन फोर्थ में आपको ये वाला आइडेंटिटी दे रखी है जो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ी थी, x प्लस वाई जेड स्क्वेयर, क्या था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लेंगे क्या 2 टर्म्स को, पहले फर्स्ट 2 ले ली फिर लास्ट 2 ले ली फिर लास्ट एंड फर्स्ट ले ली, जैसे 2xy फिर 2yz प्लस 2zx, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। पहले आइडेंटिटी लिखेंगे आप यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब जिसकी जो वैल्यू है वो पुट कीजिए, x की जगह x, y की जगह 2y, z की जगह 4z के पुट कीजिए।